आजाद नगर में रात के समय अज्ञात ने रिक्शाओं के हुड और सीट काटे, रिक्शा चालकों में फैला भय। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शनिवार 22 जुलाई रात 12 बजे के बाद, आधी रात के बाद, मुमरा बाईपास से सटे हुए बिल्कुल अमृत नगर शिवाजी नगर के ऊपर का आजाद नगर का हिस्सा, यहां पर एक ही परिसर में खड़ी रहने वाली 7 रिक्शाओं पर किसी अज्ञात ने इनके धारदार किसी हथियार से या चाकू वगैरह से फूड काट दिए, सीट काट दिए हैं। शिप पर रिक्शा चलाने वाले चालकों को इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है कि ये अब नुकसान कैसे भरा जाए। वहीं इससे पहले भी बैटरी छुड़ाना, टायर पंक्चर करना, बस्ट करना, ऐसी यहां पर घटनाएं हो चुकी है। मगर आज अचानक एक साथ 7 रिक्शाओं के हुड काटना, सीटों को काटना, इससे यहां के तमाम रिक्शा चालकों में भय का माहौल बना हुआ है। और रिक्शा चालकों का कहना है कि पुलिस में शिकायत इसलिए नहीं की गई क्योंकि पुलिस कोई कार्रवाई इस पर करेगी तो नहीं, तो जाकर शिकायत करने से लेकर समय व्यर्थ करने से क्या फायदा। पूरा कैसा यहां का ये पूरा घटनाक्रम है, रिक्शाएं जो हुड और सीट काटे गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं, और रिक्शा चालकों का जो शिप पर चलाते हैं उनका इस घटना को लेकर क्या कहना है सुनिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक। रफीक भाई, आपने हमें बुलाया था, आपके कुछ रिक्शा पे वार मारा है, तो ये कब मारा है और किसने मारा है? ये कल रात को ही मारा हुआ है, क्योंकि मैं 12 के बाद में गाड़ी खड़े किया हूँ कल रात में। हाँ। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला? जब सुबह उठता हूँ गाड़ी निकालने के लिए, तब देखा हूँ तो सब गाड़ियों पे वार लगा हुआ था। मैं पहले मेरी गाड़ी देखा, तो जहाँ पे ये वार हुआ है रिक्शे पर, तो इस जगह का नाम क्या है? ये आज़ाद नगर में खड़ी मशीन आज़ाद नगर, खड़ी मशीन आज़ाद नगर। तो कितने रिक्शा पे मतलब टोटल ये वार लगे? टोटल यहाँ 7 गाड़ी पे हुआ है, लेकिन 3 गाड़ी वाले आगे नहीं आ रहे, बाकी हमारी शिफ्ट की गाड़ी है, खुद की गाड़ी नहीं है, शिफ्ट की गाड़ी है, तो हमको तो भरपाई करना ही है। अब गाड़ी अगर हाथ उठा देंगे तो हमको तो करना है ना कुछ ना कुछ, तो इसलिए हम आगे आए। अच्छा, कब मारा था आपको पता नहीं है? मतलब मालूम नहीं, ये बात का तो जानकारी नहीं है कि कभी मारा है, किसने मारा है, किसी का आपका पुरानी रंजिश वगैरह किसी झगड़ा हुआ था क्या? कितनी बार ऐसा हुआ है कि टायर पंचर हुआ हमारा, टायर को तोशा मारा गया है या बैटरी चोरी हुई है, लेकिन बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हम लोग ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ये अब की बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए हमको तकलीफ हुई है, इसलिए हम लोग ये बात के आगे बढ़े। आपने पुलिस कंप्लेंट वगैरह करा है? इसके लिए गया था मैं, कौशल चौकी में गया था, उन्होंने बोला तो अमृत नगर चौकी में। हाँ, मैं खुद गया था चौकी में, तो वही CCTV है क्या? तुम्हारा CCTV नहीं है वहाँ पर, तो वह आप जाओ बड़ी चौकी। मैं बड़ी चौकी नहीं गया क्योंकि कुछ कार्रवाई हो नहीं सकती है बड़ी चौकी जाके भी। भाई क्या नाम है आपका? रफीक भाई, आपकी भी इसमें कोई गाड़ी है? है, आपकी भी गाड़ी है, तो आपने कब लगाए थे रिक्शा? मैं तो कल भाई रात में 12 बजे गाड़ी आई, धनी जी लाके गाड़ी खड़ी किया, मैं बोला गाड़ी खड़ी कर दो, सुबह 4 बजे निकल दूँगा। जब मैं सुबह उठ के देख रहा हूँ तो पूरा हूँ खड़ा पड़ा, तो मैं घर पे चला गया, मेरे ख्याल में अकेली गाड़ी भी हुआ होगा। वो तो 10 बजे आग खुली मेरी, तो नीचे तो बवाल हो रहा था, आगे देखा सब की गाड़ी है, एक नहीं 7-7 गाड़ी का यहाँ पे वाद हुआ। 7 गाड़ी में? हाँ, 7 गाड़ी में। तो अभी पहली बार हुआ है या पहले भी कभी हुआ था? हवा हवा तो निकाली थी, वो नॉर्मली बात थी, समझ में आता है कि भाई गाड़ी आड़ी आने में तकलीफ हो रही है, किसी ने दुश्मन किसी ने कुछ किया होगा, तो चलो नॉर्मली बात है, वो बर्दाश्त कर लेते, लेकिन ये तो हो पड़ गया ना भाई। अब ये तो 7-8 हज़ार का खर्चा गए, हम लोग गले में आ गया, घर ही तो एक ही बार बोलता है कि भाई जैसी गाड़ी चाहिए वैसी गाड़ी चाहिए, अब वो तो खर्चा हम लोग को ही है। आप ड्राइवर हो? ड्राइवर हूँ मैं।